वीडियो में देखे ना, नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। यूपी में उपचुनाव में सबसे ज्यादा नजर रामपुर विधानसभा सीट पर है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी से आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा और बीजेपी के भरत भूषण गुप्ता के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने आजम खां का किला ढहाने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन सपा इस सीट पर काफी बढ़त बनाए हुए है। तंजीन फातिमा बीजेपी प्रत्याशी से करीब 14,000 वोटों से आगे चल रही है। रामपुर की सियासी लड़ाई भारत भूषण और तंजीन फातिमा से ज्यादा आजम खां बनाम बीजेपी के बीच मानी जा रही है। यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद से आजम खां के सितारे गर्दिश में हैं। लोकसभा चुनाव के बाद आजम खां पर करीब 80 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें बकरी चुराने से लेकर मुर्गियां चुराने तक के आरोप लगे हैं। आजम खां ने उपचुनाव में अपनी पत्नी का प्रचार करते हुए कहा था कि वो खुद को नहीं बेच सके हैं, इसलिए उन पर केस दर्ज हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।